जय गुरु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटना ही सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु। श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के दिव्य घटना। लालटेन किसने दिखाया? परम भक्त डॉक्टर शशि भूषण मित्र श्री ठाकुर के पास आए। उनके मन में स्थिति को लेकर द्वंद मचा था। 82 रुपये पैसे की बात कैसे बोलें? वे आकर श्री ठाकुर से इस द्वंद के बारे में प्रश्न किया। अनेक प्रकार से श्री ठाकुर ने समझाया, पर डॉक्टर बाबू की दुविधा नहीं गई। श्री ठाकुर सहसा गंभीर हो गए। कुछ क्षण चुप होकर रुद्र कंठ से बोले, हाँ सो क्यों होगा, मैं लोगों के विपत काल में लालटेन लेकर दौड़े दौड़े जाऊं, रास्ता दिखाऊं, किंतु जब लोक कल्याण कर बात बोलूं तो उस बात का विश्वास क्यों होगा। यह सुनकर शशि भूषण बाबू हठात स्तंभित हो गए। यह क्या, यह घटना तो उनके साथ ही घटी है। कुछ दिन पहले वे एक रोगी को देखने इच्छापुर नवाबगंज जा रहे थे। अंधकार भरी रात, वर्षा और भयावह हवा बह रही थी। वे रास्ता तय नहीं कर पा रहे थे। अति कष्ट से किसी तरह वे एक बरगद पेड़ के पास आकर रुके। कुछ सूझ नहीं रहा था। वहां से वे न आगे बढ़ पा रहे थे और न पीछे लौटने में समर्थ हो पा रहे थे। गंभीर अंधकार और आंधी तूफान के कारण मन ही मन ठाकुर को पुकारने लगे और सोचने लगे, इस अंधकार में कोई लालटेन लेकर भी रास्ता में नहीं निकल रहा है। कुछ देर के बाद देखते हैं एक व्यक्ति लालटेन लेकर धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। डॉक्टर शशि भूषण बाबू उसको देखकर जरा निश्चिंत हुए। उस व्यक्ति के साथ वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए निरापद भाव से। लालटेन लेकर वह व्यक्ति रास्ता दिखाने आया, श्री ठाकुर जाने कैसे? तो क्या ठाकुर स्वयं गए थे? यही तो कह रहे हैं। श्री शशि भूषण बाबू की आंखों से तो झरझर आंसू थम ही नहीं रहा। प्रतिज्ञा किया कि आज से वे स्मृति करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा, स्मृति योग करेगा उसी का उपकार होगा। सत्य, अगर हम दीक्षा ले लिए हैं तो नित्य दिन समय पर स्मृति करेंगे, देखेंगे इससे मेरा मंगल ही मंगल है। जय गुरु।